Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. अब आपको मैं क्वेश्चन 7 और 8 की ओर एक बार ले चल रहा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप समझने का प्रयास करना। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को क्लियर कर दूं, आपको यू भी वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है एक्स प्लस वाई, और यहां पर भी क्या है एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या है x माइनस वाई, यहाँ क्या है x माइनस वाई, मतलब सेम है ना। आपको ये देखना है, आपको देखिए इसमें करना क्या होता है। अभी तक जो हम क्वेश्चन बना रहे थे वो सारे क्वेश्चन में अकेले x आता था, इस बार क्या है दोनों वेरिएबल साथ में है ना। तो आपको ये करना है ना, इस क्वेश्चन को जो मेरा अपना मेथड है वो मैं उसको बताता हूँ। उसमें करना ये होता है कि एक बार दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है ठीक, और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सीधा सीधी बात है, एक बार इसको एलिमिनेट करना है, एक बार इसको एलिमिनेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं वो जरा आप समझे। देखिए यहां पे हम क्वेश्चन तो लिख के रखे थे, ये क्वेश्चन दोनों है ठीक है। इसमें हम अगर देखें कि यहां भी x माइनस वाई और यहां भी x माइनस वाई, डिफरेंस किस बात का, कोफिशियंट का, इसमें 2 और इसमें 5, अगर इसको 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें और उसको ऐड कर दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिए देखिए आइए हम लोग क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय किससे, 1 को 5 से और 2 को 2 से, और फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों ऐड करेंगे ठीक है, ऐड कर देंगे क्लियर। अब यहां कीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 50 बाई एक्स प्लस वाई है ना, लिख दीजिएगा देन 50 बाई एक्स प्लस वाई और प्लस 10 बाई एक्स माइनस वाई, और करेंगे 5 से तो 20, इसको करेंगे 2 से तो 30 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 × 10 बाई एक्स माइनस वाई, और 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा है ना। देखिए एडी तो कर रहे हैं, ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट ठीक, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएगा 80 बाई एक्स प्लस वाई, और 20 में से 4 गया 16 से 5 टाइम्स में एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 5 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और x प्लस वाई को इधर अगर भेज दें तो क्या आ जाएगा 5 बाई एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। और इसको आपको ले लेना है इक्वेशन 3, क्या लेना है इसको इक्वेशन 3, कोई दिक्कत नहीं आई। हम अभी देखिए हमने क्या किया, फिर से मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया कि इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, इसको हमने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, ये खत्म हो गया ठीक ना। अब बारी किसकी, अब बारी इसकी, अब इसको एलिमिनेट करना है आपको ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करना है तो देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, अगर 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 10 × 3 = 30, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 15 × 2 = 30, दोनों 30 आ जाएगा, मतलब इसको 3 से और इसको 2 से दोनों इक्वल हो जाएगा, साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो डिफरेंट हो जाएगा साइन ठीक ना। आई लिखेंगे हम लोग क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई इसे, फर्स्ट को 3 से तो 30 होगा और 2 को 2 से तो 15 × 2 = 30, और फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट देम, सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि दोनों का साइन अभी तक सेम है, तो करें 10 से मल्टीप्लाई सॉरी 3 से, तो 3 से 30 बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ प्लस है और ये 3 से हो रहा है ना, तो 3 × 2 = 6 बाई एक्स माइनस वाई, और 3 से हो रहा है तो 4 × 3 = 12 ठीक है, और इसको कर रहे हैं 2 से तो 2 से हो जाएगा 30 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 से कर रहे हैं तो 10 बाई एक्स माइनस वाई,
और टू से कर रहे हैं तो माइनस फोर, क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस प्लस, ये देखिए प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट। देखिए ये भी एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, ये टेन प्लस सिक्स, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन बाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ ट्वेल्व में से फोर, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन से सिक्सटीन क्या हो जाएगा कैंसल आउट, कैंसल आउट होगा तो वन बचेगा, एक्स माइनस वाई इधर भी वन बचेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसको लगा लेना है आपको फोर नंबर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है, नहीं एकदम आसान सा क्वेश्चन। अब यहां क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को हम ऐड करेंगे तो क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन है, वाई से वाई कैंसिल, टू एक्स बराबर थ्री, सॉरी सिक्स ना होगा, सिक्स टू से कटेगा थ्री टाइम्स में तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा थ्री, यही ना चाहिए आपको। और इस थ्री को हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में, फोर में, वन में, टू में, जहां मन करे वहां पुट करिए, लेकिन हम आपको बताएंगे थर्ड या फोर में करना ज्यादा आसान होगा। तो आगे चलते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में लेते हैं भाई, फर्स्ट क्या कहता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स का वैल्यू कितना थ्री, तो थ्री प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स का वाई का वैल्यू कितना टू, वाई का वैल्यू कितना टू, तो हम लोग लिखेंगे हेंस एक्स इक्वल टू कितना थ्री और वाई इक्वल टू कितना टू। आपको ऑलमोस्ट जगह, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि आपको ऑलमोस्ट जगह क्या करेगा, इस तरह से बताया जाएगा कि वन बाई एक्स प्लस वाई को यू मानो और वन बाई एक्स माइनस वाई को भी मानो, ये बिल्कुल फालतू तरीका है, एकदम बकवास तरीका है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा उलझन है, और हम जो बताया आपको एकदम आपको क्लियर है, कहीं कुछ ज्यादा है ही नहीं लफड़ा। आप कभी इस तरीके से बनाना और कभी मेरे तरीके से बताना बनाना, और आप देखना कि कौन सा आपको ज्यादा सही लगा, है ना। अलग बात है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं एकदम रट लेते हैं कि यही मेथड सही है, जी नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप इस तरह से बनाओ आपका हर क्वेश्चन आपसे पक्का बनेगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर एट भी आपको थोड़ा सा हिंट कर ही देता हूं, आइए एट भी आप देख लेना आपको, ताकि ये ना लगे कि सर आप हल्का वाला बता दिए और भारी वाला तो आप छोड़ दिए, है ना, तो ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों क्या है हल्का ही है, भारी कोई नहीं है। देखिए अगर ऐसे ही आ जाएगा लाइन में तो ठीक है, और नहीं तो फिर चेंज करना होगा तो करेक्ट किया जाएगा, है ना। आइए देखिए बच्चों इसमें क्या है, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको सब कुछ सेम नजर आएगा, है ना। आपको थोड़ा ले चलूं क्वेश्चन पे, यहाँ भी थ्री एक्स प्लस वाई, यहाँ भी थ्री एक्स प्लस वाई, यहाँ भी थ्री एक्स माइनस वाई, यहाँ भी थ्री एक्स माइनस वाई, बिल्कुल सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप चाहोगे ना तो दोनों जगह से वन बाई टू कॉमन लेके इसको एलिमिनेट कर सकते हो, दोनों जगह से वन बाई टू क्या करोगे कॉमन लोगे, इसको क्या करोगे एलिमिनेट कर दोगे, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इक्वेशन हमको दे के रखा है फर्स्ट इक्वेशन, ये सब मैं हटा दूं टू थ्री, है ना, ये सब नहीं रहेगा, आगे जिसके जरूरत पड़ेगा हम ऐसा काम करेंगे, फिलहाल अभी ऐसे ही छोड़ दिए हैं। थ्री एक्स और प्लस वाई इक्वल टू कितना है भाई, थ्री एक्स प्लस वाई और प्लस वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू है थ्री बाई फोर, और यहाँ क्या है वन बाई टू ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस वाई और माइनस है वन बाई टू ब्रैकेट थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन बाई एट, यही ना। हम इसको कुछ टच नहीं करते हैं, एक इक्वेशन ये, इसको आप फर्स्ट लगा लेना है
और इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों जगह से 1/2 कॉमन लेते हैं। तो 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1/3x + y और माइनस 1/3x - y इक्वल टू -1/8। तो उसे काटोगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/3x + y और -1/3x - y इक्वल टू -1/4। इसको लगा लो इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखो कि ऐड करो दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आप ऐड करो। फर्स्ट को अगर आप देखते हो, थोड़ा रेड पेन से मैं इसको अंडरलाइन कर दूं और सेकेंड को मैं अंडरलाइन कर दूं, है ना, तो एकदम आप देख पाए अब क्लियरली कि यहाँ हमारा प्लस है और यहाँ हमारा माइनस है। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कैंसिल होगा। तो देखिए लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, अगर ऐड करे तो क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, अगर ऐड करे तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, खत्म। ये जब खत्म होगा तो बचेगा क्या, 1/3x + y और 1/3x + y, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो होगा 2/3x + y इक्वल टू, इधर क्या होगा, इधर देखिए 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, दोनों जगह 4 है, तो 3 - 1 कितना, 2 और बाय 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो बचेगा क्या हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 3x + y इक्वल टू बचेगा 4, इसको लगा लेंगे इक्वेशन थर्ड, फिर थर्ड समझ रहे, कितना आसान सा बात है, कुछ है ही नहीं, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब बात करते हैं, इसकी तो हो गई कहानी खत्म, है ना। एक बार हमको टारगेट था कि एक को करना था, एक को हमने क्या किया, कैंसिल कर लिया, एक खत्म। अब दूसरा को क्या करना है, दूसरा को अब करना है, अब इस पे टारगेट करना है। तो देखिए दोनों सेम है एकदम, बस साइन डिफरेंट है, तो साइन भी सेम है, तो साइन को डिफरेंट करना है, मतलब सबट्रैक्ट कर देना है। अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लिखने की जरूरत ही नहीं है, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सीधा लिखेंगे क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर मैं बताऊं तो यहीं पर दोनों कट जाए, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूं, 1/3x + y और प्लस 1/3x - y इक्वल टू 3/4, और यहाँ हो जाएगा 1/3x + y, है ना, और माइनस 1/3x - y इक्वल टू -1/4, यही ना है, ठीक है। ये अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, ये तो पूरा कैंसिल, दोनों प्लस में तो दोनों ऐड हो जाएगा, लिखाएगा 2/3x - y और ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 3 और 8 = 4, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 = 3x - y और इसको लगा देंगे इक्वेशन 4, इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 4, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया थर्ड। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, तो लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को आप ऐड करते हो बच्चों तो क्या मिलेगा, 3x + y इक्वल टू 4 आया और यहाँ हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 2 आया, बाई से बाई कैंसिल, 6x = 6, 6 से 6 कैंसिल, x = 1, x का वैल्यू कितना मिला 1, x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, लिखा हुआ है सब कुछ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए फर्स्ट नहीं, है ना, किसमें, थर्ड में, चलिए थर्ड में कर लेते हैं या फिर फोर में, चलिए फोर में करते हैं, ठीक है। तो फोर में अगर करेंगे तो फोर क्या कहता है, फोर कहता है 3x - y इक्वल टू कितना है 2, तो 3x, x का वैल्यू 1, यानी 3 × 1 - y = 2, ये हो जाएगा क्या -y, 3 उधर जाएगा तो माइनस में होगा 2 - 3, तो -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आराम से, क्या लिखेंगे, अब जानते हैं कि हेंस लिखना है, हेंस x = 1 and y = 1, दोनों का वैल्यू 1, 1, चेक भी कर सकते हैं आप कि आंसर सही है या गलत, तो आप देखिए चेक करना तो आपके लिए बहुत ही आसान सा है ना।
हेंस जो लिखे हैं इसको मैं हटा देता हूँ, आपको चेक करके मैं बता देता हूँ फटाफट कैसे चेक करोगे। चेक करना आसान है, दोनों तो वन ही है ना, तो वन यहाँ भी और वन यहाँ भी, तो ये थ्री प्लस वन फोर, वन बाई फोर और प्लस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना टू, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, ऐड करो तो फोर टू का एलसीएम फोर, वन प्लस टू थ्री बाई फोर आ गया है ना, और वहां भी इसी तरफ कर लेना है, सेम है, ऐसे तो सेम ही चीज हो जाएगा है ना, वहां माइनस है तो सिर्फ यहाँ माइनस कर देना है आपको, माइनस कर देना है तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो वन माइनस टू कितना माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर आएगा। आपको लग रहा होगा सर टू है एट है तो वन बाई टू भी तो है, तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एट हो जाएगा, जो वन बाई टू कॉमन लिए था ना दोनों उस जगह से, तो वन बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वन बाई एट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपका सेवन और एट भी कंप्लीट होता है। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम की बारी है, तीन क्वेश्चन लैंग्वेज है, तो मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के बाद, ओके। आप लोग पैशन से रखकर लैंग्वेज को देखना है और काफी बढ़िया क्वेश्चन में से आता है, उसके बाद एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज बचेगा, आपका एक्सरसाइज पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।